साई केतन बाहर आता है तो एल्विस आर्मी ने उसको थप्पड़ से मारने वाले हैं। केतन को, भाई हम लोग जाने वाले हैं एल्विस की टीम से मिलने, तो वहाँ पे देखते हैं। अगर मिल भी जानता भी नहीं है, 3 साल बाद उसको थप्पड़ मारा था एल्विस। इसका मैनेजर बोला था एल्विस का, अरे डर क्यों रहे हो यार, बी कॉन्फिडेंट भाई। हार्ड आओ तो आप डरो, ठीक है, नहीं डरोगे तो एल्विस आर्मी आपको डरा कर रखेगा। साई केतन भाई, आप वहाँ पर प्यार से भी बात कर सकते थे, लेकिन चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, तो चीता ही कहते। सो एवरीवन, कैसे हो आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, घर पे रह रहे होंगे, बिग बॉस देख रहे होंगे। सो गाइस, इस वाला बिग बॉस जो कि OTT 3 चल रहा है, इसमें बहुत ही इंटरटेनमेंट हो रहा है, बहुत ही लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, मैं सारे पे थोड़ा फोकस करूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर वाइल्ड कार्ड जो कि एंट्री हुआ है, Anan07। अनान नाम है कि बेवकूफ नाम है, मेरे को नहीं समझ आता, ठीक है। मैं 077 से आपको बताऊँगा, ठीक है। आप लोग यहाँ फोटो देख सकते हो उसका, ठीक है, जो कि चुड़ैल जैसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई इसको एल्विस से प्रॉब्लम है, कटारिया से प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैनेजर बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्टेट पे आया, अनिल कपूर सर ने बहुत ही अच्छा वाला सवाल किया, भाई तुमने कहीं दिया था जो कि इंटरव्यू में, तो बोल के देखो। किसका मैनेजर बोला था एल्विस का, अरे डर क्यों रहे हो यार, बी कॉन्फिडेंट। ये डर मेरे को अच्छा लगा, ठीक है, उसकी आंखों में डर दिख रहा था, ठीक है। और ऊपर से जैसे वो घर में गया तो भाई देख रहा हूँ ना ही कटारिया से कुछ उल्टा फुल्टा बात कर रहा है, जैसे मतलब एक फ्रेंडशिप होता है ना वैसा वो बदल चुका है। तो भाई यहाँ पर देखो, अगर अनान गया है बिग बॉस के अंदर तो वो एल्विस के खिलाफ बोल के गया है, कटारिया के खिलाफ बोल के गया, तभी बिग बॉस वालों ने उसको घर में रखा है, ठीक है। नहीं तो ऐसे कुछ नहीं रहता, उसको कोई जानता भी नहीं है। 3 साल बाद उसको थप्पड़ मारा था एल्विस के फैंस ने, तो बात समझ लो, ठीक है, 3 साल पुरानी बात है। अभी के डेट में तो भाई एल्विस का क्या ही फैन फॉलोइंग है, वो आपको भी पता है, ठीक है। यहाँ पर कल साई केतन और कटारिया के बीच जो भी फाइट हुआ है ना, इसमें मैं बता दूँ, इस पर कुछ भी रियल नहीं है, बस गेम के लिए ये ऐसा किया गया है, ठीक है। जैसे कि आप भी मान लो, जैसे कि 20 दिन 25 दिन हो गया घर में रहते हुए, आज तक एक भी उसका ना मुद्दा निकला ना कुछ निकला, बस ऐसी बकबक करता रहता है। लेकिन कल जैसे ही थोड़ा बहुत क्या हुआ भाई, दिखाने के लिए कैमरा के सामने आने के लिए वहाँ पर भाई फाइट करने लगा, कुर्ता पैंट खोल दिया, भाई ऐसा बेवकूफ़ कौन करता है भाई। और एल्विस के जो कि टीम मेंबर ने बहुत ही बाहर में, तो आप लोग पता ही है, ऐसा वीडियो बना कर रखे हैं, क्योंकि भाई अगर साई केतन बाहर आता है तो एल्विस आर्मी ने उसको थप्पड़ से मारने वाले हैं, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। क्योंकि इस तरह का उसका फैन फॉलोइंग है भाई, सारे उस पर जाके जो कि पोस्ट पे इंस्टाग्राम के उसके कॉमेंट में इतना ज़्यादा गाली गलौज कर रहे, भाई मेरे को भी लगा भाई यहाँ पर बनावटी किया गया है, ठीक है। क्योंकि साई केतन भाई, आप वहाँ पर प्यार से भी बात कर सकते थे, लेकिन आपको दिखाना था कैमरा के सामने, तो यहाँ पर आप गलती कर चुके हैं। अब बाहर आओ तो आप डरो, ठीक है, नहीं डरोगे तो एल्विस आर्मी आपको डरा कर रखेगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो, इस चीज़ पे आप खुद सोचना और समझना। और इसके टीम मेंबर के पास ये वीडियो जाता तो भाई मैं बता दूं आपसे कि बस आप ऐसी गलती मत करना, बाहर आके इतना झोल झाल मत करना, जो भी घर में हुआ वो हुआ, और बाहर में आकर सॉरी मांग लेना एल्विस आर्मी के साथ, ठीक है। तो मैं इतना ही चाहता हूँ, ठीक है। साई केतन घर का जो कि सामान भी तोड़ फोड़ किया है, ठीक है, अगर बिग बॉस उसको घर से नहीं निकालता है, अगर पूरे सीजन के नॉमिनेट नहीं करेगा, तो भाई यहाँ वो गलत हो रहा है, ठीक है, बिग बॉस भी गलत कर रहा है भाई। टैडियो थोड़ा डर चुका था वहाँ पर, ठीक है, लेकिन अगर एल्विस होता है यार, रख के इतना मारता साला एल्विस, ठीक है। तो एल्विस भाई अगर तुम होते तो भाई बहुत ही मज़ा आ जाता इस वाला सीजन में, क्योंकि तुम्हारा फेवरेट अंदर गया है, ठीक है। तो भाई मैं क्या बताऊँ, बहुत ही मस्त वाला वाइब मैच करता, ठीक है। चलो कोई ना, तुम नहीं हो तो तुम्हारा भाई तो है ही वहाँ पे, अगर देखते हैं भाई क्या होता है आगे वाले एपिसोड में, जैसे ही कुछ आता है मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन तो दे ही दूंगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करो, बहुत ही मस्त वीडियो है। और पिछले वीडियो मैंने मनोज दे को रोस्ट किया है, थोड़ा उसका अंदर वाली बात को बताया है, तो जाकर प्लीज़ वीडियो को आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो को आप लोग इंतजार करो, बहुत ही धमाकेदार वीडियो आएगा, जो कि साई केतन को, भाई हम लोग जाने वाले हैं एल्विस की टीम से मिलने, तो वहाँ पे देखते हैं, अगर मिल पाते हैं तो भाई बहुत ही मस्त वाला एक वीडियो शूट करेंगे और आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं अभी हूँ गुड़गांव में, ठीक है, तो भाई थोड़ा सा टाइम वेट करो, ठीक है, बहुत ही मस्त वाला वीडियो होगा। साई केतन भाई बाहर निकलो तो डरो, ठीक है, एल्विस आर्मी के साथ और एल्विस के साथ, नहीं तो भाई तुमको बाहर तो किम्मा बना के रखेगा सब, जैसा है मेरे को लगता है भाई। तुम्हारे कमेंट पे इतना गाली गलौज जा रहा है, मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन भाई मेरे मुंह से इतना कुछ निकल रहा है तेरे लिए ना भाई, तू वहाँ पर एडिटिंग किया था बस, ठीक है, रियल तुम नहीं था वहाँ, बस गेम के लिए तुम इतना फोकस बनाया कि मेरे को कैमरा फोटेज मिल जाए, मैं देखने लगूँ ऐसे शेर साले, सब पूरा बॉडी से नहीं होता, ठीक है, अकल का भी ध्यान रखा कर। मैं बता रहा हूँ, अगर एल्विस वहाँ पर होता तुझको ऐसे मारता, ठीक है। चलो गाइस कुछ नहीं, बस इंटरटेनमेंट था, आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख लिए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखना।
और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।